दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या की मस्जिद में सुअर का मांस फेंकने वाले संघियों का यूपी पुलिस ने करा ऐसा हाल, जानकर आप हैरान रह जाओगे। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, अयोध्या में दंगा भड़काने की कोशिश का बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ शरारती तत्वों ने जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और मांस के टुकड़े धार्मिक स्थलों पर फेंके। हालांकि समय रहते पुलिस ने 7 आरोपियों को दबोच लिया। सभी आरोपी हिंदू हैं। आप सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग मोटरसाइकिल से आकर मस्जिद में घुसकर सुअर का मांस फेंक रहे हैं। वहीं इन लोगों ने इन गतिविधियों को करते समय सर पर उजली टोपियां पहनी हुई थीं, जिससे देखने पर लगे कि ये काम मुसलमानों ने किया हो। लेकिन पुलिस ने बताया कि टोपी पहनना भी इनकी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि जिन 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रिजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे हैं। गुरुवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को मीडिया के सामने लेकर आई। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि इस घटना में 11 लोग शामिल थे और अन्य 4 आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मास्टरमाइंड चाहता था कि उसकी यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो जाए, इसलिए आरोपियों ने 2 ऐसी मस्जिदें चुनी जहां सीसीटीवी लगे थे। वे जालीदार टोपी पहनकर गए थे ताकि पुलिस को लगे कि यह करतूत स्वयं मुसलमानों ने ही की है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही। सभी आरोपी अयोध्या के ही निवासी बताए जा रहे हैं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।